कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोमवार को धूमधाम से रिजर्व पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों में स्थानीय कलाकार और पुलिस कर्मी जुट गए हैं। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए पुलिस लाइन के मंदिरों की रंगाई पुताई जोरों से चल रही है तथा मंदिर को साफ सुथरा व सुंदर बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में SP लाइन व SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व को लेकर शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। उन्होंने कहा कि निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जगह के क्षमता के अनुसार ही लोग शामिल हो तथा कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। SP ट्रैफिक ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी शांति व मर्यादा पूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व पुलिस लाइन के मंदिर में भजन का भी आयोजन किया जाएगा तथा पुलिस लाइन का पूरा परिवार शामिल होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP लाइन व SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, भीतर के कई रख दीजिए किनारे कर दीजिए, हम जाए झाड़ू लगाने। क्या चीज यही सब दिया हुआ? हर दिन का दिन क्या होता है? हर का दिन हर का दिन लाल लाल है नहीं लाल यानी बहुत बहुत लाल लाल एकदम लाल मिल गया वही में निकल दे ये अब ये वर्ड नहीं पता है नहीं छोड़ देना फिर पढ़ जन्माष्टमी को लेकर के प्रोटोकॉल जारी हुआ है, जो कोविड प्रोटोकॉल है और उच्चाधिकारीगण के जो सर्कुलर हैं उसके अनुरूप जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उसमें विशेष रूप से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का और जो क्षमता है निर्धारित क्षमता का और कोविड जो है प्रोटोकॉल है उसका पूर्णतया ध्यान रखा जाएगा, जिससे जो है जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही जो है प्रासंगिक भी रहे, अनुशासित रहे और कहीं भी किसी प्रकार की जो अमर्यादित हैं उस तरह के कोई भी कृत्य ना हों, पूर्ण मर्यादा के साथ, पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ और पूर्ण जो अधिकारियों के उच्चाधिकारीगण के निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए ही जन्माष्टमी का पर्व संपन्न कराया जाएगा। इसमें हमारे जैसे पुलिस लाइन में मंदिर में भजन का कार्यक्रम होगा और वहाँ के जो घरिया लाइन के लोग हैं वही सम्मिलित होंगे और वो भी कोविड प्रोटोकॉल का और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही पूजा प्रार्थना करेंगे।